असम विविधताओं से भरा है। उगते सूरज के देश असम में कई विरासतें और रहस्यमय मंदिर हैं। कोई भी इस मंदिर के रहस्य को सुलझाने में सफल नहीं हो पाया है। लोक कथाओं और कई कहानियों के कारण ये रहस्य आज भी एक रहस्य बने हुए हैं, जो अलग अलग लोगों की वाणी में अलग थलग सुनाई देते हैं। प्राचीन मंदिरों में से एक गोलाघाट जिले में हल्दीबाड़ी बूढ़ी माई मंदिर है। गोलाघाट डिस्ट्रिक्टर हल्दीबाड़ी बूढ़ी माई मंदिर 1962 आधुनिककरण करिसे। आधुनिककरण करार पिछत स्थापित दे मूर्तिबिलाक स्थापित और तेतियार पा अगणन भक्त आहे और प्रायबिलाके किछु प्रमाण पाऊं बुली कय और इयात बुढ़ी भिखारीर ऊपर बुढ़ी मानुहे गराकी घूरी फुरिसिल दे साकामाकाके मानुहे देखे और सेइ कारणे ए मंदिरटो नाम बुढ़ी माई मंदिर। हल्दीबाड़ी बूढ़ी माई मंदिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास बूढ़ा पहाड़ में स्थित है। मंदिर नेशनल हाईवे 37 के साथ स्थित है और कोई भी यात्री बिना दर्शन किए नहीं गुजरता है। और एक लोक मान्यता है कि यदि आप बिना सेवा के गुजरते हैं तो खतरा अनिवार्य है। इस बात का भी प्रमाण है कि इनमें से कई सड़क दुर्घटनाएं सेवाओं की कमी के कारण हुई है। भक्ति करे बहुत भक्ति करे प्रमाण पाइछे बुली कय यात आरो यात प्राय भिलाक गाड़ी जुरि सेवा करि ना जाय कये जे मोर इमान लरा लरि होल जे आमार सेवा करि नगलु ए करबात गाड़ी खन किबा अपदस्थ होइ जाय तेनेका धरण आसे यात। जो लोग इस मंदिर की अपार महिमा के बारे में जानते हैं वे अपने वाहनों से नहीं उतरते बल्कि हॉर्न बजाते हैं। मंदिर में देवी दुर्गा, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान और विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। साल के हर दिन मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। हालांकि अंबुबाची मेले के चलते कामाख्या मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। अब हम इस मंदिर के बारे में प्राचीन काल से चली आ रही कुछ लोक कथाओं पर आते हैं। इस मंदिर में एक चट्टान है जिसका काफी महत्व है। इसमें से लगातार पानी बहता रहता है। इस पानी के स्रोत का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गौरतलब है कि 80 फीट गहरी खुदाई के बाद भी मंदिर क्षेत्र के पत्थर को नहीं हिलाया जा सका। फलस्वरूप बड़ी शिला आज भी उसी स्थान पर बनी हुई है। इस पत्थर को बुढ़िया का आसन भी कहा जाता है। ए पाथर तो देखी से ए पाथर तो हल जी प्रथम रास्ता बनाए PWD इंजीनियर आसे मुस्लिम तखे भाविले कि प्रथम तो भाविले खांदी चाय लो खांदी उठा दूँ 20 फुट लेके खांदी चाले कि अंत नपाले कि डांगर आसे तार पिछत भाविले बोल्डोजर लगे पे प्लेन कर रास्ता तो बनाय दूँ बोल्डोजर लगाले बोल्डोजर ब्लेड भांगि गल তারপরে ডিসিশন ললে কি বম লগাই উড়াই দিম পাথরটো এটা তেখেতে সপন পালে রাতে যে তুমি কি উড়াবা তুমি উড়ি যাবা তুমি সেইটো ভবিষ্যতো নকৰিবা তেখেতে ইয়াত সস্তিয়া দিনত এক ট্ৰাক বস্তু আনি পূজা দিছে মাক আৰু কৈছে মা মইতো এটা মুছলিম মানুহ হয় যদি কোনোবা PWD ইঞ্জিনিয়াৰে হাত লগাব নোৱাৰিব মই ৰেজিষ্টাৰত লিখি যাম। 1962 में मंदिर का आधुनिकीकरण भी किया गया था और मूर्तियों को मंदिर में रखा गया। ऐसा माना जाता है कि राजा महाराजाओं के शासनकाल में जब लोग व्यापार करने जाते थे तो पेड़ के पत्तों को पत्थर पर रखकर उसकी पूजा करते थे और फिर व्यापार में सुधार होता था। यही कारण है कि मंदिर को शुपादिया गोसाई के नाम से भी जाना जाता है। हल्दीबाड़ी बूढ़ी माई थान दक्षिण असम के सबसे जीवंत मंदिर में से एक है। मंदिर के अंदर एक विशेष बिस्तर है, इसे मेरी माँ का बिस्तर कहा जाता है। यह बिस्तर मंदिर के प्रारंभ से ही है। स्थानीय लोगों के अनुसार
मरम्मत के लिए मंदिर से पालेंग के पोल हटाए जाने के बाद सड़क हादसे बढ़ गए। पालेंग लाकर मंदिर में पुनः स्थापित करने के बाद दुर्घटना गायब हो गई। এই শিলটোত মাৰে, সেই দোকান ভাঙে, এনেকৈ মানে গাড়ীটো বাগৰি বাগৰি পৰে দেই। আচ্ছা, ইয়াত মানুহবিলাকে তেতিয়া কয় যে ইয়াত কিবা পূজা কৰা ভুল কৰিছে পূজাৰীবিলাকে, সেইকাৰণে ইয়াত ইমান এক্সিডেণ্ট হয়। আচ্ছা, তেতিয়াও মই তেতিয়া মেইন পূজাৰীলৈ ফোন কৰোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা কি হ'ব। কৈছে বিচনাখন কি কৰিলে, মই বোলো বিচনাখন তাতে আছে, হে ধৰমশালাতে আছে, বাহিৰতে আছে। কৈছে আপুনি বিচনাখন আনি পাৰি দিয়ক ইয়াত, হে যোনদিনাখন পাৰি দিছোঁ সেইদিনাখনৰ পৰা ইয়াত এক্সিডেণ্ট নাই। बूढ़ी माई मंदिर को पहले बाण दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता था। मंदिर में हर साल शारदीय दुर्गा पूजा के दौरान नवरात्रि पूजा मनाते हैं। नेशनल हाईवे 37 मंदिर के पास बड़ी चट्टान के दोनों ओर से गुजरता है। यह भी माना जाता है कि यदि किसी कारण से कोई वाहन मंदिर की चट्टान से टकरा जाए तो उस वाहन में सवार कोई भी व्यक्ति घायल नहीं होगा। हालांकि स्थानीय लोगों को इसका सबूत मिला है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने देर रात तक बूढ़ी औरत को मंदिर के आसपास सड़क किनारे टहलते हुए देखा है। इस गली में एक बूढ़ी औरत भिखारी के रूप में चलती है। रात में वाहन चलाने वाले कई लोगों को यह दृश्य देखने को मिलता है। हालांकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। मंदिर का नाम बूढ़ी माई मंदिर के नाम पर रखा गया है। यह है गोलाघाट जिले में विरासत हल्दीबाड़ी बूढ़ी माई मंदिर। इस मंदिर में देश विदेश से काफी संख्या में लोग पूजा करने आते हैं। यह भी माना जाता है कि यहाँ सेवा लेने से मन की मुराद पूरी होती है और यह इस विश्वास के कारण है कि बूढ़ी माई मंदिर दक्षिण असम में आध्यात्मिकता की जीवनधारा बन गया है।